हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुपम यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्लास 9th फिजिक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज वर्क एंड एनर्जी बेसिकली. बट इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क. सो व्हाट इज वर्क? मुझे इस वर्क को लिखने के लिए भी ना वर्क करना पड़ा है, ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट. लाइक अगर आप कुछ भी काम करते हो, कोई भी वर्क करते हो, किसी चीज़ को मोशन में लाना है या कुछ भी करना है, सो डेफिनेटली यू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. बिना एनर्जी के यू कांट डू एनीथिंग, करेक्ट? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस एनर्जी को लिख रहा हूँ या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सो डेफिनेटली आई रिक्वायर सम एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है. और वो एनर्जी कहाँ से आती है? जो चीज़ हम खाते हैं वो बेसिकली डाइजेस्ट होके एंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो रिलीज होती है और उसी चीज़ का हम यूटिलाइज करते हैं टू डू सम वर्क. सो व्हाट इज़ वर्क? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्क इन फिजिक्स? ठीक है, सो बेसिकली जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और वो मोशन करने लगता है, ठीक है. If you are applying a force on an object and it is moving or it is changing its position, then this is known as work. ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ याद रखनी है कि आप तो एक फोर्स लगा रहे हो, दैट इज़ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, और उस बॉडी का क्या हो रहा है? पोजिशन चेंज हो रहा है. और यू कैन से दैट हाँ, पोजिशन चेंज हो रहा है, मोशन हो रहा है. पोजिशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है और मोशन हो रहा है, ठीक है. दो चीज़ याद रख रहा है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने के लिए आपको कुछ एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी आपको क्या मिलती है? डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क में. लाइक अगर एक ट्रेन को मूव करना है, एक इंजन को मूव करना है ऑन द ट्रैक ऑफ द रेलवे ट्रैक, सो डेफिनेटली इट विल रिक्वायर सम एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कोल एनर्जी, ठीक है. एक बुल कार्ट का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है. सो बुल और कार्ट होते हैं, ठीक है. सो बुल अप्लाई करता है एनर्जी, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है टू मूव द कार्ट. इट मीन्स हॉर्स क्या कर रहा है, जो बुल है या फिर जो हॉर्स है, वो क्या कर रहा है कि अपनी एनर्जी यूटिलाइज करके उस कार्ट को क्या कर रहा है? आगे की ओर मोशन कर रहा है. सो बेसिकली उसने उसके ऊपर वर्क किया और वो मूव कर रहा है, ठीक है. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, यू कैन टेक इट, ठीक है. देखो ये चौक है, अभी ये रेस्ट में है, ठीक है. इफ आई विल अप्लाई सम फोर्स, अगर मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, स्मॉल चॉक, ठीक है. देखो अभी क्या है, ये रेस्ट में है. इफ आई विल अप्लाई सम फोर्स, सो डेफिनेटली उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है. सो उसकी पोजीशन क्या हुई? चेंज हो गई. सो दैट्स व्हाई आई अप्लाई सम वर्क ऑन द चॉक एंड इट मूव्स और इट चेंजेस पोजीशन, दिस इज नोन एज वर्क और वर्क डन. मैंने कुछ काम किया उस चॉक के ऊपर और मैंने उस फोर्स कहाँ से यूटिलाइज हुआ, मेरा फोर्स कहाँ से आया, जो मेरे पास एनर्जी थी मैंने उसका यूटिलाइज किया उस चॉक को मूव करने में, ठीक है. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. नाउ देयर आर टू फैक्टर्स जिसके आई होप कि वर्क सबको क्लियर हो गया होगा कि वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और वो मूव कर जाता है इन अ सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स में अगर वो मूव कर रहा है, सो और चेंज इन पोजिशन हो रही है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा वर्क हो रहा है और वर्क डन हो रहा है, ठीक है. इस पॉइंट को याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. नाउ मूव फर्दर. नाउ देयर आर टू फैक्टर्स जिसके ऊपर क्या करता है वर्क डन हमारा डिपेंड करता है, और यू कैन से दैट कि वर्क डिपेंड करता है हमारे टू फैक्टर्स पे, ठीक है. टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इट मीन्स द अमाउंट ऑफ फोर्स यू आर अप्लाइंग टू एन ऑब्जेक्ट. आप कितना अमाउंट ऑफ फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है. ठीक है, द फर्स्ट फैक्टर इज दैट, तो अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है. सो द फर्स्ट फैक्टर इज अमाउंट ऑफ फोर्स. The first factor is amount of force. Amount of force. Okay. So the first factor is amount of force. Okay. And the second factor is distance through the body is moved. ठीक है. So basically amount of distance कह सकते हो और distance amount कह सकते हो. ठीक है. Amount of distance a body is move. ठीक. सो अमाउंट ऑफ फोर्स कहने का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा वर्क डन करोगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है. सपोज करो एक बॉडी है, उसके ऊपर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया. ठीक है. इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर लेस वर्क कर रहा हूँ. लेस वर्क किस कंपेरिजन में कर रहा हूँ? अगर सेम बॉडी के ऊपर अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, सो डेफिनेटली इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? लार्जर है एज कम्पेयर टू दिस. इट मीन्स इस बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है? लार्जर वर्क हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन.
ठीक। एंड सेम केस में क्या होता है, डिस्टेंस कितना ज़्यादा वो ट्रेवल कर रही है, जितना ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इट मीन्स उसके ऊपर क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा वर्क हो रहा है और वर्क डन हो रहा है। ठीक, नाउ वी आर गोइंग नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो देखो फोर्स के दो फैक्टर थे ना, एक तो डिस्टेंस था और एक हमारा फोर्स था। तो सेम चीज़ से आपका वर्क का फॉर्मूला भी होता है, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और यू कैन सिंपली राइट दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क डन और यू कैन से वर्क। सो वेयर एफ इज फोर्स एंड एस इज द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन विच द बॉडी ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, अब ध्यान से समझो इन चीज़ों को। अब आपका वर्क डन, ये जो वर्क डन है ना वो दो कंडीशन में जीरो हो सकता है। ठीक है, वर्क डन आपका टू कंडीशन में जीरो हो सकता है। द फर्स्ट वन इज दैट आइदर आपका एफ जीरो हो जाए, ठीक है, एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाए, और आपका एस जो कि डिस्टेंस है वो जीरो हो जाए। ठीक है, सो अगर आप दो कंडीशन में आपका वर्क डन जीरो हो सकता है, अगर आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, सो डेफिनेटली यू आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क ऑन दैट, सो वर्क डन विल बी जीरो। लेकिन दूसरा कंडीशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आप फोर्स तो लगा रहे हो कुछ अमाउंट का लेकिन आपका वर्क डन जीरो हो जा रहा है। वो किस केस में होगा कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और उस बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स वहां पे डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रही है वो बॉडी, जीरो। चेंज इन पोजिशन क्या हो रहा है, जीरो। सो इट मीन्स पूरा का पूरा आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज दैट आई एम पुशिंग दिस वॉल, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वॉल को पुश कर रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी भी यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं इस वॉल के ऊपर फोर्स भी लगा रहा हूँ, बट देयर इज नो मोशन। यहाँ पे एस क्या है मेरा, जीरो है। सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इस केस में मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ रही बस समझ में, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, लाइक जो कुली होता है अपने सर पे कैरी करता है बैग, ठीक है। सो अगर वो बैग कैरी कर रहा है लाइक दिस, अगर वो बैग कैरी कर रहा है, सो इस पोजिशन में हो क्या रहा है कि बॉडी जो है, जो कुली है वो वर्क तो कर रहा है, उस बॉडी को क्या क्या लिफ्ट किया है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाया हुआ है उसको लिफ्ट करने के लिए। सो उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो फोर्स तो लगाया है, बट देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, उसके पोजीशन में, मैन के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। सो दैट्स द रीज़न जो कुली होता है, इसके बारे में लोग फर्दर पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हमें आगे पढ़ना क्या है, ठीक है। सो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो कुली होता है, देयर इज नो वर्क डन बाय द कुली ऑन द कैरी बैग, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं होता है, ठीक है। नाउ देयर इज अ यूनिट ऑफ वर्क, अब यूनिट क्या होती है वर्क की, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इनटू एस होता है। एफ फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एंड एस की क्या होती है, दैट इज मीटर, ठीक है। सो वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर को ही हम बोलते हैं, व्हाट, वन न्यूटन मीटर कैन बी रिटन एज जूल, ओके। सो रिमेंबर दैट कि वर्क डन कैन बी रिटन इन द, सॉरी, द यूनिट ऑफ वर्क इज आइदर न्यूटन मीटर, एंड वन न्यूटन मीटर इज इक्वल टू वन जूल। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ इफ समवन आस्क यू what is one joule, okay, if someone asks you what is one joule, so you can say that ki if we are applying a one newton force on an object, if we are applying one newton force on an object and the body and the object travel at a distance of 1 meter in the direction of force apply, then this is known as one joule, then this is known as one joule, okay. So this is all about work done. So now in a further class we will discuss about the more examples on the work done, how the work done is applied, how in which cases the work done is zero. So this is all about today's class. Thank you so much and God bless you.